लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात पर जोर दिया गया। इस मौके पर लखनऊ के शंकर जी महाराज शिव मंदिर के व्यवस्थापक पंडित दीपक अत्रे ने बताया कि आज के वर्तमान समय में सोशल मीडिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के क्षेत्र में धर्म लिस्ट हिंदू कार्यकर्ताओं और विचार के लिए एक दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया है। ये कार्यक्रम रविवार 2 जून को अधिवेशन स्थल पर होगा। हमारी मांगे तो जो पहले काफ़ी सालों से प्रलभित पड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आने वाली जो सरकार है, हमारी जो मांगे हैं, श्री राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, धारा 370 को निरस्त किया जाए, गौ हत्या पर संपूर्ण देश में प्रतिबंध लगाया जाए, समान नागरिक कानून यहाँ पर हो, धर्मांतरण विरोधी कानून यहाँ पर पारित हो, इन सभी चीज़ों की जो मांग है, इन मांगों के ऊपर हम विशेष तौर पर विचार करेंगे और आने वाली सरकार को एक संगठित रूप से इन मांगों को पूर्ण करने के लिए विवश करेंगे। महाधिवेशन में कौन कौन शामिल होंगे, ऐसा कि आपने लिखा है कि तमाम राज्य के? इस अधिवेशन में पूरे भारत के लगभग 200 संगठनों के 19 राज्यों से 800 प्रतिनिधि आएंगे। इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से कुछ हिंदुत्ववादी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पूरे भारत भर के घनिष्ठ अधिवक्ता और उद्योगपति भी वहाँ पर सम्मिलित होंगे और युवा पीढ़ी, जो युवा लोग हैं भारत के, जो राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो समस्याएँ आती हैं, तो उन्हें एक प्रशिक्षण देने का भी हम लोगों ने आयोजन किया है। तो प्रशिक्षित होने के लिए उस अधिवेशन में वहाँ पर एक उनका भी आना होगा। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र अधिवेशन गोवा में रामनाथी स्थान पर 27 में से 8 जून इस कालावधि में